गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जो आप लोगों को सप्तम पाठ पढ़ा रही थी असत्य फलम, जिसमें एक बच्चा था जिसका नाम था मलुकदास, जो कि बहुत ही ज़्यादा असत्य बोलता था, झूठ बोलता था, लोगों को परेशान करता था, उसे ये करने में बहुत ही मज़ा आता था। आप लोगों ने पढ़ा भी है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है सब कुछ रीडिंग करा के। आज मैं उसके आगे पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ तक क्या हुआ था कि जो मलुकदास था कि एक लोमड़ी के नाम से और सिंह के नाम से लोगों को बहुत परेशान करता था कि सिंह आ गया मेरे पास आ गया, मेरे समीप आ गया, मुझे बचाओ। और लोग उसको बचाने के लिए जंगल तक चले जाते थे और वहाँ जाके वो उन लोगों का बहुत ही हंसी ठट्टा करता था, मजाक उड़ाता था कि मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, मैं अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहा था, है ना। तो मैं आज उसके आगे पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। एकता वस्तुतः एक सिंह मलुकदासस्य समीपे आगच्छत्। एक दिन एक सिंह मलुकदास के समीप आ गया, सच में समीप आ गया, ठीक है। सह उच्चे अरटत, हे ग्रामीणा समागच्छन्तु भवतु रक्षन्तु माम। वैसे पहले तो मनोरंजन के लिए ऐसा करता था, अपने उसको मजा आता था इसलिए ऐसा करता था, लेकिन एक दिन सच में ऐसा हुआ कि उसके पास में एक शेर आ गया और वो वही बात बार बार बोल रहा था जो वो पहले बोलता था कि हे ग्रामीण वासियों, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, ठीक है। को अपि सिंहम, मेरे पास जो है वो एक सिंह आ गया है, ठीक है। समीपे समायातः अस्ति किंतु ग्रामीणा तस्य विश्वासम न कुर्वन्ति। लेकिन जो ग्रामीण गांव के लोग थे वो उन पे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको गांव के लोगों को बार बार यही लगता पता चल गया था कि वो झूठ बोलता, बार बार ऐसा करता है, तो गांव के लोग इस बार उसकी मदद करने नहीं गए। लेकिन इस बार तो उसके साथ सच में ऐसा हो रहा था। सिंह मलुकदासम अमारयत अभक्षयत च। सिंह जो है मलुकदास को मारकर खा गया। मलुकदास इत्थम असत्यम भाषणेन प्राणात् अत्यज्यत। जो मलुकदास है वो इसी कारण अपना, इस प्रकार से अपना क्या हुआ, असत्य वचन के कारण, असत्य बोलने के कारण वो अपने प्राण को त्याग दिया, अपने प्राण से हाथ धो बैठा। अतएव कदापि असत्यम न वद्यते। कभी भी हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, वरना जैसे मलुकदास का हाल हुआ है वैसे सबका होगा, ठीक है। तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए लोगों के सामने। अब जैसे मलुकदास पहले झूठ बोलता था, लेकिन जब सच में उसके साथ ऐसा हुआ तो कोई भी गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आए और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग का ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। आप लोगों को रीडिंग करना है इस चैप्टर को अच्छे से। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। देखिए, असत्यस्य फलम, झूठ का परिणाम, ग्राम में गांव में, अजापालकः गडर या जो बकरी का पालन करता है, अवसत रहता है, तस्य उसका रुचि शौक आसीत था, निरर्थक व्यर्थ में, असत्यम झूठ, तस्य व्यवहारे उसके व्यवहार से, पारिवारिक जना परिवार के लोग, मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, उच्च जोर से अवदत बोला, रक्षन्तु माम मेरी रक्षा करो, समीपे पास श्रुत्वा सुनकर, यष्टीन लाठियां अश्रत्राणी हथियार गृहत्वा लेकर, ते अपृच्छत उन्होंने पूछा। अपृच्छन का अर्थ क्या होगा, उन्होंने पूछा। पुत्र का अर्थ होगा कहा, असहत का अर्थ होगा हंसा। तिरस्कृतः तिरस्कृत तिरस्कार को प्राप्त, विश्वासम विश्वास, वस्तुतः वास्तव में, अमारत मार दिया, अभक्ष्यत खा गया, और इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी आप लोग को कॉपी में नोट करना है, और जो नहीं समझ आता है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।